नमस्कार, न्यूज एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय सेना ने चीन के साथ सटी सीमा पर भारी बर्फबारी के कारण फंसे करीब 2500 पर्यटकों को शनिवार को रेस्क्यू कर लिया। सिक्किम में एक दिन पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई थी। इसके चलते नाथुला दर्रा और 17 मील इलाके के बीच महिलाओं और बच्चों समेत कई यात्री फंस गए थे। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2014 में सरकार बनने के बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर 2021 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इनमें चार्टर्ड फ्लाइट के किराए से लेकर विमानों के रखरखाव और प्रधानमंत्री को मिलने वाले हॉटलाइन सुविधा का खर्च भी शामिल है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी यूके में है। ब्रिटेन के अधिकारियों ने भारत को ये जानकारी दी है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा में ऐसा कहा। उन्होंने सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ मैनचेस्टर ने भारतीय एजेंसियों को बताया है कि जांच में इस बात का पता चला है कि नीरव यूके में रह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यूपी आएंगे। वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र का 16वीं बार दौरा करेंगे। यहां वाराणसी में वे राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और एशिया क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा महाराजा सुलहदेव का डाक टिकट भी जारी करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को निर्देश दिया है कि अपनी कंपनी को हुए फायदे का कुछ हिस्सा स्थानीय किसानों और समुदाय में भी बांटे। वहीं कोर्ट ने उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड के खिलाफ लगाई गई रामदेव की दिव्य फार्मेसी की याचिका खारिज कर दी और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत उचित और समान लाभ साझाकरण के प्रावधानों को बनाए रखने का आदेश दिया। मुंबई लोअर परेल के कमला मिल्स कंपाउंड के सामने शनिवार को एक निर्माणाधीन इमारत में आग लग गई। मौके पर पहुंची 5 फायर ब्रिगेड ने राहत और बचाव कार्य किया। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हादसे के वक्त इमारत में काम करने वाले मजदूर मौजूद थे। सभी को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने दावा किया है कि भारत में होने वाले 2019 लोकसभा चुनाव जीतने पीएम मोदी पाकिस्तान पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक करा सकते हैं। राशिद ने कहा कि भारत के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सरहद पर पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की सूचना मिली है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के हाजिम राजपुरा इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वहीं शुक्रवार को भी सुबह पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पाकिस्तान में 22 आतंकवादियों को फांसी की सजा पर शुक्रवार को मुहर लगा दी गई। मिलिट्री कोर्ट ने इन आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा 15 आतंकियों को कैद की सजा भी सुनाई गई है, जबकि 2 आतंकियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर लॉन्च होते ही सुर्खियों में आ गया है। इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रोल निभा रहे अनुपम खेर ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए। खेर ने युवा कांग्रेस के हंगामे पर कहा कि वह जितना हंगामा करेंगे फिल्म को उतनी पब्लिसिटी मिलेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को रिलीज हुई ट्रेलर में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिससे कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार। जेनाविन सेल्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज एल मोनार्क के फैंस पेडिस्टल फैंस एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज जेनाविन सेल्स नियर भारत टॉकीज फर्स्ट फ्लोर हमीदिया रोड भोपाल